एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या जब गर्ल्स अपनी नेचुरल साइकिल्स में होती हैं तो क्या इस टाइप की एनर्जीज कुछ गलत तरीके से अटैक करती हैं या टच करने की कोशिश। कल एक बहुत ख़राब सिचुएशन हुई है कल, बिकॉज़ मैं अपनी नेचुरल साइकिल में हूँ और किसी ने मेरे को टच किया। मैं सेमी कॉन्शियस थी, फिर मेरे साथ सपने में ऐसा कुछ हुआ है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ आपसे, पर आप समझ जाइए। दैट वॉज ड्रीम और माई सेमी कॉन आई वॉज सेमी कॉन्शियस दैट वॉट हैपनिंग इन रियल आई डोंट नो बट इट हैपन टू मी। तो क्या जब गर्ल्स अपनी नेचुरल साइकिल में होती हैं तो वो अनप्रोटेक्टेड जोन में ज़्यादा होती हैं क्या? ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। तो देखिए, जो हमारी दुनिया है इसमें बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जिसको हम समझ नहीं पाते। कई जगहों पर कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि आप उसे देख नहीं सकते। जिस तरह से दो तरह की लाइट होती है, एक तो जो सूरज वाली लाइट होती है जिसे हम देख पाते हैं, एक दूसरी लाइट होती है जिसको कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो इसी तरह से एनर्जीज होती हैं जिनको देखना समझ पाना बहुत मुश्किल है। हमारी आंखों की एक लिमिट है कि उस लिमिट के ऊपर हम देख नहीं सकते, और हमारे कानों की भी एक लिमिट है कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर या नीचे हम सुन नहीं सकते। तो सिर्फ एक छोटा सा ही दायरा है जो कि हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं। उसके अलावा भी इस धरती पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह से माइक्रोस्कोप यूज़ करके ही हम कीटाणुओं को देख पाते हैं, उसी तरह से इन सब चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को समझना इंसान की पहुंच से बहुत परे है अभी भी। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसी तकनीकें, कुछ ऐसे यंत्र निकाल लिए थे जिससे कि इन बुरी शक्तियों को अपने अनुकूल कर सकें, इनको वश में कर सकें। तो ये बहुत पुराना गूढ़ रहस्य है, और इसको समझना अभी भी मानव के बस से बाहर है, क्योंकि जो भी हमें आता था वो हम भूल चुके हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उन सब में इसका वर्णन है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी प्रकार जब स्त्री रजस्वला होती है, उस समय एक पोर्टल खुलता है इस संसार को दूसरे संसार से जोड़ने वाला एक पोर्टल। अब इसी बीच कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो कि स्त्री पर घातक होती हैं, अटैक करती हैं। आप देखेंगे कि अगर किसी स्त्री पर नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ किया कराया है, तो वहां पर आप, मैं कैसे समझाऊं आपको, आप महसूस करके देखना या फिर किसी से बात करके देखना जिसके ऊपर ऐसा हुआ हो। तो होता यह है कि जब रजस्वला स्त्री होती है, जब उसके पीरियड्स आते हैं, उस समय एक पोर्टल खुलता है दूसरी दुनिया से जोड़ने के लिए। अब उसी पोर्टल में जो है कुछ ऐसी शक्तियां भी आती हैं जो अहित कर सकती हैं किसी का भी। अब इसी में अगर वो चाहें तो अपने साथ भी जिस स्त्री को ले जाना चाहें ले जा सकती हैं, या फिर उसके साथ भी रह सकती हैं। तो इन सब से बचने के लिए, ये जितनी भी हानिकारक ऊर्जाएं हैं, इनसे दूर रहने के लिए हमने एक ताबीज़ बनाया है। इस ताबीज़ को पहनिए तो आपके ऊपर कोई भी जिन, असेब या किसी भी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो टिक नहीं पाएगी। कई लोग कहते हैं कि सपनों में कोई उन्हें दिखता है, लेकिन वो जग रहे होते हैं, पूरी तरह से सपनों में नहीं होते। लेकिन कोई अटैक करता है, कोई चुड़ैल जो है वो काट कर चली जाती है, निशान छोड़ जाती है। तो ये सब औरतों में अधिक होता है। इंसान, आप देखेंगे कि जो पुरुष वर्ग है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, होता है लेकिन 10%। लेकिन औरतों में जब वो रजस्वला होती हैं, उस समय में ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो उस समय आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मैं ताबीज़ आपको बता रहा हूँ, इसको पहनिए। इसके बाद
ये जितनी भी शक्तियाँ हैं ये आपसे दूर रहेंगी, कोसों दूर। ये बहुत से लोगों पर मैं आजमा कर आपको बता रहा हूँ। अब ये नहीं है कि ये हर कोई पहन ले, क्योंकि ये हर एक के साथ नहीं होता। आप ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ही आप इसे पहने मंगवाएं, तभी ये लाभदायक है। सबसे पहली बात तो आपको पैनिक अटैक आते हो, आप डर कर उठ जाते हो सपनों में 1-2 बजे, और आपको एक भारीपन सा महसूस होता हो, ऐसा लगता हो जैसे कोई आपका पीछा कर रहा है। तो उनके लिए ये ताबीज़ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके साथ कौन सी ऐसी शक्तियाँ जो अट्रैक्ट हो रही हैं और आपको अपनी जो दुनिया है उसमें ले जाना चाहते हैं। दूसरा, अगर आपके शरीर पर कहीं निशान बनते हो, आप सुबह उठकर देखते हो तो आपके शरीर पर निशान बन जाते हो, नीले लाल कलर के धब्बे बनते हो, तो भी आपके लिए ताबीज़ बहुत अच्छा है। तीसरा, यदि कोई आप पर रात पर हावी होना चाह रहा हो, जब आप सोएं तो आप एक दबाव महसूस करें, आप महसूस करें कि कोई आप पर हावी होना चाह रहा है, तब भी आपके लिए ये ताबीज़ बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात होती है, आपके बाल जो हैं वो झड़ने शुरू हो जाएं। पहले एकदम ठीक थे, लेकिन 1-2 महीने से बिल्कुल ही झड़ने शुरू हो गए हैं, बिना कोई बीमारी के ये सारा कुछ होता जा रहा है। इसके बाद आप अस्वस्थ हो जाएं और बेड पे पड़े रहें, कुछ करने का काम ना करें, तो भी ये ताबीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपका मासिक धर्म आए, उस समय आपको बस ये सावधानियां रखनी है कि परफ्यूम का जो है प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आप परफ्यूम लगाते हो तो ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। इन दिनों में आपको परफ्यूम से परहेज करना है, और किसी ऐसी जगह पर नहीं जाना जहां पर कोई घटना हुई हो, कोई ऐसी आत्मा जहां पर आपको पता हो कि यहां पर कोई मरा था, और उस रोड से बचकर या फिर उस जगह से बचकर आपको वहां से निकलना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, कुत्ते और जो आत्माएं हैं, वो रजस्वला स्त्री की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो आपको इस समय में घर से बाहर नहीं निकलना, इसीलिए मनाही की जाती थी। तो आप घर में रहिए और ये जो मैं आपको ताबीज़ बता रहा हूँ ये पहनिए, इसके बाद ये सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं सारी दूर हो जाएंगी। अगर और इसके बारे में जानना हो तो sirstop.com पे जाइए, वहाँ पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा, उसमें मैं सारा कुछ बताऊँगा, क्या परहेज हो सकते हैं, क्या क्या इसमें सावधानियाँ रख सकते हैं। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। धन्यवाद।